हेलो स्टूडेंट, ट्रिगोनोमेट्री आप बहुत पहले से पढ़ रहे हो, लेकिन जैसे ही आप हायर क्लास में जाते हैं ना, तो आपको अपना कैलकुलेटर यूज़ करके ट्रिगोनोमेट्रिकल वैल्यू निकालना होता है। आज हम आपको बतलाएंगे, आप जानते हुए भी, कैसे हम लोग कैलकुलेटर्स को यूज़ करेंगे। सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्री का मतलब, इट इज़ अ रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ एनी ट्रायंगल। कैलकुलेटर्स को कैसे यूज़ करते हैं, आइए हम उस चीज़ को ध्यान से देखें। एन इंडिविजुअल एंगल हैव डिफरेंट साइन कोसाइन, हर एक एंगल के लिए 0, 1, 2, 3, 4 किसी भी डिग्री ऑफ एंगल्स के लिए आप जाओगे, उसके साइन का वैल्यू कुछ होगा, कॉस का वैल्यू कुछ होगा, टेन का वैल्यू कुछ होगा। आप कितना चीज़ याद रखोगे, बट याद करने का झंझट नहीं करना है, बिकॉज साइंटिफिक कैलकुलेटर स्टोर्स इन्फॉर्मेशन अबाउट एवरी एंगल। जो भी एंगल्स हैं ना, ये सभी के लिए ये साइंटिफिक कैलकुलेटर्स हमारा यूज़ कर रिमेंबर किया हुआ रहता है। चलिए, फाइंडिंग द रेशियो, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द क्वेश्चन इज फाइंडिंग द डेसिमल वैल्यू ऑफ द रेशियो गिवन हियर। मान लिया कि हमको साइन 32 डिग्री का वैल्यू निकालना है, क्या करेंगे आप, कैलकुलेटर का साइंटिफिक वैल्यू का ऑप्शंस निकालिए, उसमें आप ट्रिगोनोमेट्री में जाइए, पहले आप देखिए कि रेडियन मोड में है कि डिग्री मोड में है। अगर ये 32 के ऊपर में कुछ नहीं है, इसका मतलब रेडियन मोड है। रेडियन मोड में आइए, साइन दाबिए, फिर 32 दाबिए, आपको वैल्यू निकलेगा, दैट इज पॉइंट दिस। ओके, यूजिंग द रेशियो टू फाइंड एंगल्स, अगर एंगल्स निकालना है, वी हैव जस्ट फाउंड दैट साइंटिफिक कैलकुलेटर होल्ड्स द रेशियो इन्फॉर्मेशन। इट कैन ऑल्सो बी यूज इन द रिवर्स डायरेक्शन ऑल्सो। सो टू डू दिस, हम लोगों को साइन इन्वर्स और कॉस इन्वर्स निकालने का भी एक प्रैक्टिस होना चाहिए, आपके कैलकुलेटर्स पे या आपका अपना जो स्मार्टफोन है उसमें भी दिया हुआ रहता है। मान लो कि साइन एक्स बराबर दिस, एक्स रिप्रेजेंट्स एंगल, किसी एंगल्स के लिए अगर साइन का वैल्यू ये है, फाइंड द एंगल एक्स। कैसे आप निकालोगे, आप अपना साइंटिफिक कैलकुलेटर याद कीजिए, उसमें आप पहले साइन इन्वर्स वाले मोड में जाइए, किसी किसी में साइन इन्वर्स नहीं रहता है, तो एक्स साइन एक्स बराबर पॉइंट इतना, तो आप जानते हो, आपको पढ़ाया गया, साइन इन्वर्स ऑफ दिस विल बी एक्स। अब इतना बराबर क्या होगा, तो साइंटिफिक कैलकुलेटर में दो है, एक तो डायरेक्ट आपको साइन इन्वर्स का भी फंक्शंस दिया हुआ है, साइन इन्वर्स कॉस इन्वर्स, किसी किसी में नहीं है तो आपको शिफ्ट बटन दाब के फिर साइन दाबना है, उसके बाद आपको 0.1115 लिखना है, और इसका वैल्यू आप ध्यान से देखोगे 6.4 है। ओके, तो इस तरह से आपके कैलकुलेटर्स जो भी हैं उसके सहारे हम लोग वैल्यूज़ के करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी निकाल सकते हैं। सो हमेशा आप कैसियोस का ये साइंटिफिक कैलकुलेटर्स यूज़ करें, और इसमें आपको साइन इन्वर्स, कॉस इन्वर्स, टेन इन्वर्स दिया हुआ रहेगा, इसी अनुसार से और भी चीज़ें आपको निकालने को मिलेगी। ओके, मान लो कि कॉस इन्वर्स इतना है, फाइंड द एंगल एक्स, क्या करोगे, एक्स इक्वल्स टू कॉस इन्वर्स दिस वन। कैसे निकालेंगे, पहले आपने शिफ्ट बटन दाबना है, फिर कॉस दाबना है, फिर 0.8988 दाबना है, आपको वैल्यू मिलेगा, यू कैन चेक, इट इज़ योर 26 डिग्री। क्लियर, तो मैं आपको बतला रहा हूँ कि कैसे आप कैलकुलेटर को यूज़ करेंगे ट्रिगोनोमेट्रिकल वैल्यूज़ के लिए। टू फाइंड द मिसिंग एंगल्स फ्रॉम अ राइट एंगल ट्रायंगल, वी नीड टू नो टू ऑफ द साइड्स ऑफ द रेशियो। अब हमको ध्यान रखना है कहाँ पर साइन यूज होगा, कहाँ पर कॉस यूज होगा, कहाँ पर क्या होगा। ध्यान से देखो, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें इस एंगल सी के लिए ये साइड का वैल्यू, इस साइड का वैल्यू दिया हुआ है, सी निकालना है। आपका पहला काम है, तीन में से कौन फंक्शंस यहाँ पर काम आएगा, साइन, कॉस और टेन। ध्यान से देखिए, सी के लिए इसे हम एडजेसेंट कहेंगे या हाइपोटेनस कहेंगे, इसलिए यहाँ पर साइन नहीं होगा, कॉस होगा, और कॉस के लिए कितना होगा, सो ध्यान से देखो, सो चूज द रेशियो। तो यहाँ पर हम लोग क्या यूज़ करेंगे, जल्दी बतलाओ, साइन या कॉस, कॉस, बिकॉज कॉस इक्वल्स टू एडजेसेंट बाय हाइपोटेनस। एडजेसेंट कितना है, 6 सेंटीमीटर, हाइपोटेनस है 14 सेंटीमीटर, सो कॉस सी बराबर हो गया 6/14। जब कॉस सी बराबर इतना निकल गया, तो आपको निकालना तो है सी, एंगल सी, तो सी इक्वल्स टू कॉस इन्वर्स दिस वन। अब कॉस इन्वर्स के लिए, जैसा हमने अभी बताया, शिफ्ट बटन दाबिए, कॉस बटन दाबिए, फिर इतना दाबिए, एंड यू विल फाइंड एंगुलर वैल्यू 64.6।
आप चेक कर सकते हो। सो आपने क्या देखा, किसी भी ट्रायंगल में राइट एंगल ट्रायंगल का दो साइड दिया हुआ है तो हम तीसरा कोण भी निकाल सकते हैं। फाइंडिंग साइड्स फ्रॉम ए ट्रायंगल, टू फाइंड अ मिसिंग साइड्स फ्रॉम ए राइट एंगल ट्रायंगल वी नीड टू नो वन एंगल एंड वन अदर। 30 डिग्री ये 5 है, ये एक्स हमें निकालना है। माइंड कीजिए पिछले क्वेश्चन से ये क्वेश्चन अलग है, एंगल दिया हुआ एक साइड दिया हुआ, ये नहीं निकालना। सबसे पहले आपको सोचना है, फिर उसी तरह यहाँ पर हमारा साइन यूज होगा कि कॉस यूज होगा या टेन होगा। यू नो फॉर दिस एंगल दिस इज योर एडजेसेंट एंड दिस इज हाइपोटेनस, सो बेटर टू यूज कोसाइन। सो कॉस ए बराबर ए बाई एच दैट इज 5 बाई एक्स, सो एक्स इक्वल्स टू 5 बाई कॉस 30, कॉस 30 का वैल्यू जानते हो, इस तरह से x निकला। मान लो कि ये 25 डिग्री के लिए सामने वाला दिया हुआ है, ये तुम्हें निकालना है, हाइपोटेनस निकालना है। अगेन आपको सोचना है साइन कॉस टेन में क्या यूज होगा, फॉर दिस एंगल दिस इज द अपोजिट दिस इज दिस वन, सो अपोजिट डिवाइडेड बाय दिस के लिए हम लोग साइन यूज करेंगे, मतलब 8 डिवाइडेड बाई एम, सो साइन 5 बराबर इतना, सो एम बराबर एम बाई। अब साइन 25 डिग्री का वैल्यू आप कहाँ से लाएंगे, आप कैलकुलेटर यूज़ कीजिए, 25 साइन दाबिए फिर 25 पुट कीजिए, यू विल गेट समथिंग। ध्यान से देखो, ये 30 डिग्री है, ये 5 सेंटीमीटर है, यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे कॉस, यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, ये निकालना है, ये दिया हुआ है टेन, यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे हाइपोटेनस दिया हुआ है, इस एंगल के सामने वाला ये दिया हुआ है, क्या यूज़ करेंगे साइन, सो साइन 30 इज दिस, ये सभी वैल्यू आपको निकालना। तो आपको हमने दिखलाया हाउ टू यूज़ द साइंटिफिक कैलकुलेटर। थैंक यू, कैसा लगा।